आगामी त्यौहार ईद ए मिलाद और अयोध्या पर आने वाले फैसले को लेकर थाना परिसर में हुई बैठक। बेटमा में नगर के वरिष्ठगढ़ शांति समिति के सदस्यों एवं अधिकारी व सुरक्षा समिति के सदस्यों की थाना परिसर में बैठक आयोजित हुई। गौरतलब है कि श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नवंबर माह में अहम निर्णय लिया जा सकता है, जिसे लेकर देश भर में अलर्ट जारी होने के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा शांति समिति की बैठक लेकर समाज के प्रतिनिधियों के साथ शांति बनाए रखने की चर्चा की जा रही है। इस बात के बारे में संवाद किया जा रहा है वरिष्ठ नागरिकों से। निर्णय के बाद में जो है वो शांति बनाए रखना, अपने कस्बे का मन चैन और सौहार्द बना कर रखना। ऐसे व्यक्ति जो कि किसी भी तरीके से शहर की शांति में बाधक है, कस्बे की शांति में बाधक है, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत इंदौर जिले के बेटमा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आहूत की गई, जिसमें अपर कलेक्टर पवन जैन, पुलिस अधीक्षक पश्चिमी क्षेत्र अवधेश गोस्वामी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण धर्मराज सिंह मीणा, तहसीलदार अवधेश चतुर्वेदी, SDOP राम कुमार राय व थाना प्रभारी DPS चौहान के साथ पूरा पुलिस स्टाफ व सभी पत्रकार व आमजन मौजूद रहे। वहीं अधिकारियों ने बैठक में बताया कि सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझ कर करें, किसी भी पोस्ट या फोटो को शेयर करने से पहले उसकी सत्यता को परखें, और आपके आसपास कोई ऐसी घटना हो या कोई असामाजिक तत्व तो कुछ घटना घटित कर रहा हो तो आप तुरंत पुलिस को संपर्क कर सकते हैं, उसकी समीक्षा कर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। देपालपुर से दीपक सेन की रिपोर्ट। इससे जो आगामी समय में आने वाले त्यौहार हैं, मिलादुन्नबी है, प्रकाश पर्व है गुरु नानक साहब का, इसके संदर्भ में निकट भविष्य में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आना संभावित है, उसको लेकर भी ये बैठक थी। इसमें हम लोगों से चर्चा और उनके सुझावों पर बात हुई है, और आने वाले समय में अगर कोई भी इस तरह का वातावरण ना बने इसके लिए भी हमने आम जनता से सहयोग चाहा है, और इस बात के लिए सुनिश्चित भी किया है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस बात के लिए तैयार है कि अगर किसी भी तरह की कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो सख्ती से उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।